स्टूडेंट्स, मायसेल्फ हरिशंकर मेघवाल। मैंने अपनी मास्टर डिग्री बीजेडीए मुंबई से क्लियर की है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ओवर डिजाइन। ओवर डिजाइन बनाने के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। थ्री बेसिक एलिमेंट्स इन अ ओवर डिजाइन आर, तीन एलिमेंट्स होते हैं, पहला डिजाइन, दूसरा ड्राफ्ट और ड्राइंग प्लान, एंड थर्ड इज फैक्ट और प्रिंटिंग प्लान। इन तीनों से मिलकर हम ओवर डिजाइन को बनाते हैं। तो डिजाइन, डिजाइन इंडिकेट्स द इंटरलेसमेंट ऑफ बार एंड वेब थ्रेड्स इन द रिपीट ऑफ डिजाइन। डिजाइन ये डिनोट करती है कि एक डिजाइन को बनाने में जो रिपीट बनता है उसमें कितने बार और वेब का इंटरलेसमेंट होता है। तो हमको यहाँ से ये जानकारी मिलेगी कितने बार और वेब रिक्वायर्ड होते हैं एक रिपीट को तैयार करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज ड्राफ्ट और ड्राइंग प्लान। ये शो करता है कि हमारे कितने हीट फ्रेम की आवश्यकता होगी और बाप के जो धागे हैं वो किस हीट फ्रेम से होकर गुजरेगा। द ड्राफ्ट और ड्राइंग प्लान इंडिकेट्स द मैनर ऑफ ड्राइंग द एंड थ्रू द हीट फ्रेम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बाप का धागा है वो किस हीट फ्रेम से होकर के गुजरेगा ये चीज बताता है। सेकेंड, इट ऑल्सो डिनोट द नंबर ऑफ हीट शाफ्ट रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन रिपीट। एक रिपीट को तैयार करने में कितनी हीट फ्रेम की आवश्यकता होगी वो चीज हमें यहां से पता चलेगी ड्राइंग प्लान से। तो जो भी डिजाइन बनाएंगे उसमें कितनी हीट शाफ्ट यूज होगी वो हमें ड्राइंग प्लान से पता चलेगा। तीसरा होता है पैक प्लान और लिफ्टिंग प्लान। पैक प्लान और लिफ्टिंग प्लान हमको ये बताता है कि हमारा पर्टिकुलर कौन सा पिक इंसर्ट होगा तब कौन सी हीट फ्रेम अप हो या डाउन होगी ये बताता है। द पैक प्लान प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द वीवर। यह वीवर्स को पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी हीट फ्रेम कब अप करनी है कब डाउन करनी है, उस अनुसार वो अपना पैक प्लान तैयार करता है। इट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ लिफ्टिंग ऑफ हीट फ्रेम। इसमें कौन सा हीट फ्रेम कब अप होगा कौन से पिक पे ये शो करता है। इन अ पैक प्लान द वर्टिकल स्पेस इंडिकेट द हीट शाफ्ट। आपकी जो वर्टिकल स्पेस होगी वो हीट शाफ्ट को दर्शाएगी और जो हॉरिजॉन्टल स्पेसेस होंगे वो आपके पिक्स को बताएंगे और पैक प्लान ड्राफ्टिंग प्लान पर डिपेंड करता है। हर ड्राफ्टिंग प्लान के लिए अलग अलग पैक प्लान बनेगा। अब हम देखने जाएंगे तीनों को कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पर टू डाउन फील ले रहे हैं डिजाइन के लिए। तो पहले हम इसको फील कर देंगे। ये आपकी डिजाइन बन गई। इसको कौन सी हील फ्रेम से ले जाके इसके लिए हम स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट धागे के लिए हमने फर्स्ट हील को ले लिया, सेकंड धागे को सेकंड हील फ्रेम के लिए ले लिया, थर्ड को थर्ड से ले लिया एंड फोर्थ को फोर्थ से ले लिया। तो इससे हम पता चल रहा है कि हमें चार हीट फ्रेम की आवश्यकता है इस रिपीट को तैयार करने के लिए। और क्योंकि स्ट्रेट ड्राफ्ट में जो आपका ड्राफ्टिंग प्लान है और पैक प्लान आपकी डिजाइन के अनुसार बनेगा। स्ट्रेट ड्राफ्ट में हमेशा जो आपकी डिजाइन होगी वही आपका पैक प्लान होगा। ये आपको चार हीट फ्रेम की आवश्यकता होगी और ये चार पिक्स है आपको। ये आपकी डिजाइन है, डिजाइन से आपको आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया, ड्राफ्ट से आपका पैक प्लान। आपको अगर दो चीज दी गई है तो आप तीसरी इसमें से बना सकते हैं। यदि आपको डिजाइन
और ड्राफ्ट दे रखा है तो आप पैक प्लान बना सकते हैं, या पैक प्लान और ड्राफ्ट दे रखा है तो आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। थैंक यू।